हेलो व्यूअर्स वेलकम टू जी के एल क्लासेज एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम क्लास सिक्स टू एट जेनरिक वर्कशीट फोर्टीन डेट आपकी ट्वेंटी सेवन नवंबर एंड यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे एंड हेयर यू विल मैंशन योर क्लास टीचर नेम तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है गलती से इंग्लिश लिखा गया है यहाँ पे तो ये आपका जो है सब्जेक्ट uh, जो है वो इंग्लिश नहीं है जी एस का ही जो है ये सब्जेक्ट है नाव हेयर लुक एट द पिक्चर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो यहाँ पे आप ए पिक्चर देख रहे हैं आप इसमें क्या दिख रहा है आपको जो फैक्ट्री है उसमें से जो है स्मोक जो है वो पॉइजनस स्मोक जहरीला धुआं जो है वो बाहर आ रहा है सेकेंड में आपको ये इंसान है ये इरीटेटेड दिख रहा है किसी चीज़ से किस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आसपास जो हॉर्न का शोर हो रहा है इतना ज़्यादा और आप सी पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि जो है फैक्ट्री से जो है गंदा पानी जहरीला केमिकल वाला पानी जो है वो नदियों में जो है वो बहाया जाता है उसकी वजह से जो है रिवर पॉल्यूशन जो होता है एंड यहाँ पे जो है ये जो है स्मोक जो है जो धुआं है जहरीला धुआं जो है व्हीकल से कार से बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे इन्हीं फोर पिक्चर्स से रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए पिक्चर ए में जो है क्या कमिंग आउट हो रहा है तो आंसर वन है आपका पॉइजनस पॉइजनस स्मोक तो यहाँ पे पिक्चर ए में क्या कमिंग आउट हो रहा है जहरीला धुआं जो है वो फैक्ट्री से निकलता हुआ दिख रहा है इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज़ द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरीटेटेड बी पिक्चर में जो आदमी है इसने दोनों अपने हाथ कानों पर जो है हाथ रखा हुआ कह रहे हैं कि वो इरीटेटेड क्यों दिख रहा है तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन क्योंकि उसके आसपास जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ शोन इन पिक्चर डी जो पिक्चर डी है इसके अंदर जो है आपको क्या शो किया गया है तो इसमें आपको क्या शो किया गया है कि जो धुआं है जो गाड़ियों से निकल रहा है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से अभी दिल्ली में आपकी जो है छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं एयर पोल्यूशन की वजह से फोर्थ क्वेश्चन आपका हाउ डज़ वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज शोन इन द पिक्चर सी तो आपका सी पिक्चर में दिखाया है ये जैसे कि पानी जो है गंदा फैक्ट्री से जो निकलता है केमिकल्स वाला वाटर उसकी वजह से कैसे रिवर्स का वाटर गंदा होता है तो डर्टी वाटर कंटेनिंग केमिकल्स इस पुट इस पुट बैक इन द रिवर नदियों में वापस फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से जो है रिवर्स का वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है अब आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो है स्टेट विथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स कौन सी जो ट्रू स्टेटमेंट्स है राइट स्टेटमेंट्स हैं देयर यू विल राइट ट्रू एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर आप जो है फॉल्स लिखेंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वी यूज़ वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज़ हमें ओपन एरियाज़ में कूड़ा जो है वो फेंक देना चाहिए सो दिस इज़ फॉल्स हमें ओपन एरियाज़ में नहीं डस्टबिन के अंदर जो है कूड़ा फेंकना चाहिए सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट सेकेंड आपका दिया हुआ है यहाँ पे ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज़ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो क्या आपकी हवा की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी यस दिस इज़ ट्रू आपका uh, जो पेड़ है वो जो है काफ़ी हद तक जो है एयर की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है कार पुलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन कार होता है कि मान लो अगर आपकी फैमिली से एक ही जगह पर सबको जाना है तो सब अलग अलग कार्स या पड़ोसियों को जाना है तो सब अपनी अपनी कार्स लेने की जगह एक ही कार में जो है सारे एक साथ जा सकते हैं सो दिस इज़ कार पुलिंग ऑब्वियसली अगर कम गाड़ियाँ चलेंगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा सो दिस इज ऑल्सो ट्रू नाउ फोर्थ इज वी कैन यूज़ पोल्यूटिड वाटर टू मेक फूड हमें जो है गंदे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए खाना बनाने के लिए पोल्यूटिड वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो खाना बनाने के लिए नो सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स ना फिफ्थ इज इफ़ एनिमल्स गेट ईट गारबेज थ्रोन इन ओपन दे में ऑल्सो फॉल्सिक अगर एनिमल्स भी जो हैं कूड़ा खाते हैं कूड़ा वगैरह जो खाते हैं ओपन में फेंका होता है तो क्या वो भी बीमार हो सकते हैं तो येस दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट वो बीमार हो सकते हैं क्योंकि उस कूड़े में भी आपका किस तरह का खाना है कभी कभार टूटा हुआ कांच या कुछ फेंक दिया जाता है तो एनिमल्स तो वो तो खा लेते हैं तो उन वो भी जो है उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं नेक्स्ट है इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर्स अगर नदियों में आप हार्मफुल केमिकल वेस्ट फेंक देते हैं तो क्या वो सेफ है नो दिस इज फॉल्स क्योंकि वो आपके पानी को जो है पोल्यूटेड कर देता है Mm, so this is false statement now next question is fill in the blanks choose the appropriate word from the box given below and fill in the blanks so here the first word which is given over here is that is plastic next is harmful fresh noise diseases smoke and paper so first is dash gases present in the atmosphere pollute air water रेन वाटर तो रेन वाटर को कौन सा जो है हार्मफुल गैसेस तो यहाँ पे आपका नंबर वन में आपका क्या आ जाएगा हार्मफुल हार्मफुल गैसेस जो आपके एटमोसफियर में वातावरण में जो मौजूद है वो आपके रेन वाटर बारिश के पानी को भी पॉल्यूटेड कर देती हैं नेक्स्ट है ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीजेज अगर आप ऐसा खाना खाओगे जो गंदे पानी से बनाया गया तो उससे आपको क्या होगा उससे आपको डिसीजेज़ यानी कि बीमारियां लगेंगी तो आपका नंबर टू पे आएगा डिसीजेज थर्ड इज डैश कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉज इज एयर पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है क्या आता है व्हीकल से तो दैट इज स्म जो धुआं निकलता है गाड़ियों से व्हीकल से यातायात के आपके साधनों से तो यहाँ पे आपका नंबर थर्ड आ गया स्मोक नंबर फोर है वी नीड डैश एयर टू कीप आर लंग्स हेल्थी हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को स्वस्थ रहने के लिए हमें किस तरह की एयर चाहिए वी नीड फ्रेश एयर सो नंबर फोर इज फ्रेश फ्रेश नंबर फाइव इज लाउड स्पीकर कैन कॉज डैस पोल्यूशन लाउड स्पीकर की वजह से जो है आपका कौन सा पोल्यूशन हो सकता है दैट इज नॉइज पोल्यूशन तो नंबर फाइव में आपका क्या आ जाएगा नॉइज पोल्यूशन uh, और नंबर सिक्स है आपका सम वाइज शॉपकीपर यूज़ ओनली पेपर बैग्स तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा पेपर जो कुछ बुद्धिमान दुकानदार हैं वो सिर्फ पेपर बैग्स का यूज़ करते हैं एंड अवॉयड प्लास्टिक बैग्स और वो प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करते हैं अनदेखा करते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैग्स क्या हैं वो भी आपके एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं तो आई होप आपको आज की वर्कशीट जो अच्छे से क्लियर हो, हो गई होगी थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग